देखिए क्या लिखा हुआ कि ऑल इग्नियस रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम अर्थ। हमने ये नॉर्मल सा चीज था, ये बताया गया था कि आपको कि जितना मैग्मेटिक प्रोसेस होता है वो कहाँ से था? अगर आपके पास नोट पैड है तो आप नोट भी करते चलेंगे इस बात को, जो तो कुछ चीजें बोल रहे हैं उसको आप कहीं नोट भी करते चलेंगे, ठीक है? कि जितना भी आपका रॉक है, इग्नियस रॉक जो प्राइमरी रॉक है, उसका फॉर्मेशन मैग्मा से होता है, और वो प्राइमरी मैग्मा कहाँ से आ रहा है? मेंटल से आ रहा है, मैग्मा चैम्बर से आ रहा है। एक्सिनोस्फेयर था, तो हम लोग वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, जो मेंटल में जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है उसके जस्ट नीचे का पोर्शन होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट के जस्ट नीचे का पोर्शन होता है, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, मूव करती है। जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने बताया था कि जो कन्वेक्शन करेंट जनरेट होती है एक्सिनोस्फेयर में मैग्मा की वजह से, वो क्या होता है, उसी की वजह से प्लेट्स मूव करती है। तो वो एक्सिनोस्फेयर और मैग्मा चैम्बर जो मोर और लेस 200 से 250 किलोमीटर के पास पाया जाता है, और कभी कभी कुछ जगहों पे इसकी डेप्थ 350 किलोमीटर तक जाती है, वहीं के मैग्मा से निकल के ये क्रस्ट का आउट सरफेस सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ था। बेसिकली जितनी इग्नियस रॉक्स है हमारे पास वो मेंटल से ही निकले हुए मैग्मा से, उसमें जो इम्प्योरिटीज मिक्स होती जा रही हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, वो एसिडिक बेसिक या सॉरी अल्ट्रा मैफिक है, फिर मैफिक या फिर एसिडिक कंपोजिशन का होता जाता है। तो इसके लिए इस स्टडी के लिए हमने क्या किया है, इस स्टडी के लिए हमने पी वेव और एस वेव की स्टडी की है, बेसिकली जो साइज्मिक वेव से स्टडी की है, और क्या स्टडी किया है, इनकी डिसकॉन्टिन्यूटीज की स्टडी की, यानी कहाँ ब्रेक आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी में कहाँ अप एंड डाउन आ रहे हैं, कहाँ ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहाँ एड्रेप्ट चेंज हो रहा है इन वेलोसिटीज में, कहाँ आपकी एस वेव प्रेजेंट है, कहाँ पे अब्सेंट हो जा रही है। तो एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि एस वेव कहीं अब्सेंट नहीं होती है, एस वेव कहीं गायब नहीं होती है, एस वेव की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कि हम इसको जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर हम इसको नोट नहीं कर पाते, ठीक है? इसीलिए हम नियरली नेग्लेजिबल हो जाती है, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं कि एस वेव क्या हुई आपकी, डिसअपियर हो गई, लेकिन एक्चुअली में डिसअपियर नहीं होती है, बहुत में बहुत स्लो वो चलती है, ठीक है? तो इन डिसकॉन्टिन्यूटीज पी वेव एस वेव और इन डिसकॉन्टिन्यूटीज के बेस पे जो आपका अर्थ है उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। नॉर्मल सी चीजें हैं तो फ्लो में ही हम निकल रहे हैं, ऐसा कोई डिटेल बताने की। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो एवरेज थिकनेस जो ओशियनिक थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट। अब आप मुझसे कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है, कभी कभी 50 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर के आसपास एवरेज थिकनेस वैरी कर रही है। तो इनके वैरी करने का जो मेन रीजन है, क्यों वैरी करती है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और आपको पता है कि कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या होती है, उसका तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो रिलेटिवली ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, वो इग्नियस कंपोजिशन की है, बसाल्टिक कंपोजिशन की है, जो आपका MOR लिखा हुआ है ना, MORB लिखा है, MORB वही MOR है मिड ओशियनिक रिजेस, क्योंकि बसाल्ट से बनी हुई है तो MORB लिख दिया गया है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस आप पढ़ चुके हैं, है ना? तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो 10 से 15 किलोमीटर थिक है, थिन होती है बेसिकली, और लोअर पार्ट है आपके क्रस्ट का। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस इन्होंने 36 से 90 किलोमीटर दी है, जो हर तरह की रॉक से मिलके बना हुआ है, इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। बेसिकली अगर इग्नियस कंपोजिशन है तो वो ग्रेनेटिक या ग्रेनेटॉइड कंपोजिशन के होते हैं, ज़्यादातर आपके फेल्सिक कंपोजिशन की या इंटरमीडिएट कंपोजिशन की रॉक होती है, लेकिन उसमें आपके गैब्रो के भी डाइक्स मिलते हैं,
सारी चीजें मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि फेल्सिक कंपोजिशन मिलता है, दैट मीन्स केवल फेल्सिक नहीं मिलता है, फेल्सिक कंपोजिशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर ये आप इंटरप्रेट मत कीजिएगा, जैसे लिख दिया गया कि ग्रेनेटाइट कंपोजिशन है या ग्रेनेटिक कंपोजिशन का मैग्मा मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल और केवल ग्रेनेटिक मिलेगा, वैरी करेगा। ठीक है, कई कंपोजिशन के मैग्मा होंगे, उसमें एक ग्रेनेटिक कंपोजिशन भी है, ग्रेनेटिक कंपोजिशन का मैग्मा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार बताया है कि जब नीचे से मैग्मा निकलेगा तो वो अल्ट्रामेफिक कंपोजिशन का होगा, अगर वो पतली क्रस्ट को मेल्ट कर रहा है तो जैसे ही क्रस्ट को मेल्ट करना शुरू होगा उसमें सिलिसियस कंटेंट बढ़ने लगेंगे, परसेंटेज ऑफ सिलिका बढ़ते ही वो क्या हो जाएगा, मैफिक कंपोजिशन का हो जाएगा। कितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिलिका में मिलेगा उसी हिसाब से वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और एसिडिक कंपोजिशन का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज सरफेस पे फ्लो कर रही है ओशन में, तो वो लगभग कितने किलोमीटर की चीज को मेल्ट कर रही है, 10 किलोमीटर या इसके आसपास। तो एवरेज जो परसेंटेज ऑफ सिलिका है कम हुआ, मेल्ट हुआ, तो वो अल्ट्रा मैफिक से किसमें चेंज हुआ, मैफिक में चेंज हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो कितना मेल्ट कर रही है, 36 से 90 किलोमीटर, ह्यूज अमाउंट। और जितना अमाउंट मेल्ट कर रही है उतना नंबर ऑफ सिलिका उसमें बढ़ता जाएगा और इस वजह से वो एसिडिक कंपोजिशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड डू नॉट सब्रप्ट ड्यू टू द बायंस। ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है, बायंस फोर्स की वजह से, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कम होती है, तो सब्डक्शन जल्दी नहीं होता है। अगर कहीं पर आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का आसपास आता भी है तो वो कोलाइड हो जाते हैं, सब्डक्शन बहुत रेयर केसेस में ही होगा। ये आपका एक जो डायग्राम था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के, तो इसमें डिजिट्स आप याद करेंगे, मोर और लेस इसके आसपास के डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में बनवाया भी था और इससे अच्छा बनवाया हुआ है शायद फर्स्ट ईयर को, वो आप एक बार देख लेंगे, मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जो रिजिड, अब देखिए ये दिया गया है, ये जो ब्राउनिश कलर आपको शो कर रहा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखा रहा है और इधर नीचे ओशियनिक क्रस्ट दिखा रहा है पतला वाला, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। आवाज आ रही मेरी? अभी मतलब आ रही ना, लिथोस्फेरिक प्लेट की डेफिनेशन किसी को पता है? जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब कट जा रही होगी, नहीं तो आ रही होगी ना। चल सर, खैर, अपर सर, उसमें लिथोस्फेयर में सर अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट और क्रस्ट होता है सर, मतलब एस्टेनोस्फेयर के ऊपर का पूरा लिथोस्फेयर होता है सर। क्या डिफाइन करेंगे? सर इंटरनल सेक्शन ऑफ अर्थ अपर, लिख लीजिए, इंटरनल नहीं है, टोटल एक्सटर्नल। सर, टोटल पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। देखिए कुछ लिख लीजिए इसको, सॉलिड रिजिड मास ऑफ रॉक इज, सॉलिड रिजिड मास ऑफ रॉक विच कंटेन्स क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड फ्लोज ओवर एस्टेनोस्फेयर, एंड फ्लोज ओवर एस्टेनोस्फेयर, द एवरेज थिकनेस इज, हंड्रेड टू 150 किलोमीटर। हंड्रेड टू 150 किलोमीटर कोई दिक्कत इसमें? बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। आवाज आ रही ना? ओके, हाँ। तो क्या हुआ कि अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आपके, कि
लिथोस्फेयर की एवरेज थिकनेस क्या होती है, तो हो सकता है वो डिजिट्स दे दें, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। आपको क्या लिखना है, 100 से 150 के आसपास की जो थिकनेस होगी वही लिखनी है, ठीक है। कंफ्यूज किससे करेंगे, वो आपको केवल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस दे सकते हैं जो कि 30 से 40 किलोमीटर होती है, और लिथोस्फेयर की दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में टिक क्या कर देते हैं, क्रस्ट वाली, क्रस्ट लिथोस्फेयर जो है वो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल दोनों को कंटेन करता है, और इसकी थिकनेस 100 से 150 किलोमीटर। लेकिन जो क्रस्ट है, क्रस्ट की केवल थिकनेस 40 किलोमीटर के आसपास है। दैट मींस क्रस्ट और मेंटल को कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी अलग करती है, मोरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मोरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे मिलती है हमको, 40 किलोमीटर डेप्थ। यानी जैसे ही साइस्मिक वेव्स जो है आपकी वो क्रस्ट से मेंटल में आती है, ठीक है, तो ये जो बी पोर्शन लिखा हुआ है, ये जो बी लिखा हुआ है, इसी पर्टिकुलर बी पे क्या होता है, वो चेंज हो जाती है वेलोसिटी उसकी। तो मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी ये है, क्रस्ट केवल इतना ही पोर्शन है, लेकिन मेंटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ठीक है। देन प्लास्टिक नेचर का एक जोन आ जाता है जिसको हम एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और फर्दर यहाँ देखिए आपको मेंटल कहाँ खत्म हो रहा है, 2885 किलोमीटर, बेसिकली ये 2900 किलोमीटर पे माना जाता है, और 2900 किलोमीटर के पहले 2700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर पे एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन क्या है, सेमी सॉलिड है। आप देखेंगे जो लोअर मेंटल का ये पोर्शन है ये सॉलिड होता है, और ये आउटर कोर जो है वो क्या है, लिक्विड है, और इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई हाई टेम्परेचर की चीज़ किसी लो टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आएगी, आवाज नहीं आ रही है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ना तो सॉलिड रह जाए, इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट किलोमीटर में ना पूछिए, माइल्स में पूछिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। माइल्स भी लिखा हुआ उसको भी देखिए, 5100 किलोमीटर के आसपास आपका आउटर कोर होता है बाउंड्री, और उसके बाद फिर इनर कोर की बाउंड्री, ठीक है। डायग्राम है उसको भेज दीजिएगा ग्रुप में, ठीक। देखिए दिया हुआ है ये जो डिजिट्स और वॉल्यूम्स दिए हैं, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जाएगा। इमीडिएटली बिलो द क्रस्ट द एक्सटेंड अप टू 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर लंबा जो पोर्शन है, लगभग 3000 किलोमीटर लंबा जो पोर्शन है, दैट इज मेंटल, और वो अर्थ क्रस्ट का 80%, यहाँ 83 लिखा हुआ है, तो 83% बाई वॉल्यूम है, यानी टोटल अर्थ का 83% वॉल्यूम किसका है, मेंटल का है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मेंटल कंटेन्स अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम, और आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बाय मास ये 68% के आसपास है, बाय मास डी ये सबसे बड़ा है, बाय मास जो मेंटल है वो 68% के आसपास है, और बाय वॉल्यूम 83% के आसपास है। The boundary between crust and mantle is derived by Mohorovicic discontinuity, आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो है P wave की velocity अचानक से चेंज होती है, 7 km/s से 8 km/s तक पहुँच जाती है। Many seismic discontinuities exist in the mantle में, बहुत सारी seismic discontinuities हैं। 60 km से 250 km के बीच में low velocity zone है, आप इसको 150 to 250 करिएगा, ठीक है। 150 to 250 या 300 किलोमीटर के आसपास लो वेलोसिटी जोन है, दैट इज नोन एज एस्टेनोस्फीयर, जो पार्शियली मेल्ट है, पार्शियली सेमी सॉलिड है, जिसकी वजह से डेंसिटी में क्या हुआ है या रिजिडिटी में अचानक से चेंज आ गया है, और जैसे ही लिथोस्फीयर से जो आपकी
साइज़मिक वेव्स हैं वो एस्थेनोस्फेयर में एंटर करती हैं, वेलोसिटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से इसको लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। देन फिर 410 किलोमीटर डिसकॉन्टिन्यूटी, 410 किलोमीटर पर डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये इन्होंने केमिकल चीज बता दिया है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये जो फेज ट्रांजिशन है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ओलिवीन है वो फाइनल स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं और फाइनल के मिनरल्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। 660 किलोमीटर के पास जो डिसकॉन्टिन्यूटी है आपकी, उसमें सिलिका जो सिलिकेट्स हैं बेसिकली वो चेंज हो जाते हैं। अब ये अभी आपके लिए जो हमने फोर्थ लिखा है, ये वन गलत लिख गया है, आई वाला लिखना चाहिए था। फोर्थ पोल कोऑर्डिनेशन टू सिक्स फोर्थ कोऑर्डिनेशन है, ये भी आपने पढ़ा ही नहीं तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। सिलिका का फोर्थ फोल्ड कोऑर्डिनेशन क्या है, सिक्स फोल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बोथ दिस डिसकंटिन्यूटीज रिजल्ट इन, दोनों ही डिसकंटिन्यूटीज में क्या होती है, वेलोसिटी में जंप होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसकी वजह से। कोर जो है 3000 किलोमीटर के ऊपर का पोर्शन जो है, या अभी आपने एग्जैक्ट पढ़ लिया 2885, या 2900 किलोमीटर के ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है आपका कोर है, जो आउटर कोर और इनर कोर का पोर्शन आता है वो आयरन एंड निकल रिच है। लेकिन केवल इतनी ही चीज नहीं होती है, नोट कीजिएगा आप, सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन होगा, सिलिकन होगा, भी प्रेजेंट होंगे। आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। आउटर कोर में साइज़मिक वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, एस वेव लगभग डिसअपीयर हो जाता है, इनर कोर में वेलोसिटी में बहुत तेज चेंज आता है, ठीक है। एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड एज दे रेजिस्ट शियर, ये इनका कहना है कि एस वेव जो है वो मूव नहीं कर सकता है लिक्विड, बहुत धीमे मूव करता है तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। में आप देख रहे होंगे ये आपकी पी वेव की लाइन है और जो ब्लैक वाली लाइन से आपकी वेव की लाइन है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ब्लैक लाइन यहाँ तक आ रही है, ब्लैक लाइन जो है, जो ब्लैक लाइन है देखिए आउटर कोर तक आ रही है, आउटर कोर के बाद आपको ब्लैक लाइन नीचे कहीं नहीं नजर आ रही है, नजर आ रही है। ये 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, बेसिकली ये 103 माना जाता है, ठीक है। ये 103 डिग्री से 103 डिग्री तक आपको कोई भी लाइन ब्लैक नजर नहीं आ रही है, दैट मींस इतने पोर्शन में आपको एस वेव कहीं भी मिल नहीं रही है, तो इसीलिए हम इसको एस वेव एस वेव का शैडो जोन कहते हैं, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बांटते हुए पूरा 180 डिग्री इधर आएंगे और 1 डिग्री 2 डिग्री बांटते हुए पूरा 180 डिग्री इधर आएंगे, ठीक है। वहां पे 105 से 105 तक पूरा इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपको कोई एस वेव नहीं नजर आ रही है, ये क्या है, एस वेव का शैडो जोन है। शैडो जोन क्या हुआ, एग्जैक्ट पोर्शन की भी मॉडल में, अर्थ के मॉडल में वो पोर्शन जहां पे आपको एस वेव वेलोसिटी नहीं मिल रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द एस वेव What is the shadow zone of S wave? Yeah, S wave shadow zone belongs to, अब आपसे लिख देगा 105 to 105, या लिख देगा 103 to 143, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो P wave और S wave में आपको confuse करेंगे, S wave 105 से पूरा 105 तक है, P wave की velocity में थोड़ा सा change आएगा। जब एक general example मैंने first year में भी लिया था कि अगर आप कहीं cycle लेके जा रहे हैं या bike लेके जा रहे हैं और अचानक से कहीं पर सैंड आ जाती है सड़क पे, पानी आ जाए या कीचड़ आ जाए, क्या होता है, वेलोसिटी आपकी अचानक से चेंज होती है, कम हो जाती है। और वेलोसिटी कम होते ही क्या होता है, अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी कम होने की वजह से गाड़ी हमारी स्लिप कर जाती है। स्लिप कर देना इन द सेंस कि हम एक डायरेक्शन में चल रहे थे, अचानक से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और चेंज होने की वजह से हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं एनर्जिया की वजह से। यहाँ पे तो गिरने का कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, पी वेव जो है एंटर की,
एंटर करते ही आउटर कोर लिक्विड है और ये जो मेंटल का पोर्शन है ये सॉलिड है। सॉलिड से जैसे ही लिक्विड में एंटर किया तो जाना ऐसे था, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया और ये कहाँ गई, यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ, ऐसे वेलोसिटी में चेंज आया, यहाँ आया, यहाँ फिर देखिए कैसे सीधे जाना था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में फिर चेंज आया, लिक्विड से ये किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में, फिर सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में, इसकी वजह से ये वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। लेकिन हमको मिल रही है केवल इतना पोर्शन, जो ग्रे पोर्शन है इसी में जो आपका वेलोसिटी का रिफ्रैक्शन हो गया, पी वेव का रिफ्रैक्शन हो गया, इसकी वजह से ये क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। तो पी वेव का शैडो जोन आपका 103 टू 143 डिग्री तक होता है दोनों साइड में, 103 टू 143 ये लेफ्ट भी है, 103 टू 143 राइट भी है, तो ये आपका पी वेव शैडो। ठीक है, क्रस्ट की बात की जा रही है, देखिए ओशियनिक क्रस्ट को थोड़ा सा एलेबरेट किया गया है, बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ओशियनिक क्रस्ट है देखिए, थिकनेस कम है सी लेवल से, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो सी लेवल के ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपका लिथोस्फीयर, रिजिड पोर्शन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एथनोस्फीयर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये इन्होंने 60 किलोमीटर लिख दिया है, एक्चुअली में 60 माइल्स होगा, ठीक है, 60 किलोमीटर गलत लिख गया, यहाँ 60 माइल्स होगा, 100 किलोमीटर के आसपास। अभी ये केवल और केवल क्रस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज, क्रस्ट है, लेस डेंस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एवरेज थिकनेस 20 टू 70 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस आप लिखेंगे इसकी 50 टू 100 किलोमीटर के आसपास। ओशियनिक क्रस्ट है, ये मोर देन 5 टू 10 15 किलोमीटर के आसपास जाता है, ये मोरोग्राफिक डिस्कंटिन्यूटी मिलती है जो क्रस्ट और मेंटल बाउंड्री को अलग कर, तो हो सकता है कि डिजिट थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब आप 2.7 मत याद रखिएगा, आप इसके यूनिट को भी याद रखिएगा, हो सकता है वहां पे यूनिट चेंज करके आपसे पूछ ले। स्ट्रॉन्गली डिफॉर्म्ड है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बहुत सारे डिफॉर्मेशन प्रोसेस होते रहते हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, जॉइंट्स, ठीक है, तो इन वजह से यह डिफॉर्म्ड है, ओरिजिनी की प्रोसेस होती है, डिफॉर्म्ड है। इंक्लूडेड ओल्डेस्ट रॉक 3.96 बिलियन ईयर्स, ग्रेनेटिक कंपोजिशन का ओल्डेस्ट रॉक है, शायद 4.2 बिलियन ईयर्स का एक हिरकन का सैंपल रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट हो उसको ऐड कर दीजिएगा, लेकिन जो बुक में हो टेक्स्ट बुक में वो देख लीजिए। ओशियनिक क्रस्ट है, अप टू 10 टू 15 किलोमीटर तक थिक होता है, एवरेज डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, रिलेटिवली अनडिफॉर्म्ड, इसके रिलेटिव देखिए बात ध्यान से सुनिए कि रिलेटिवली अनडिफॉर्म्ड, ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन बिल्कुल होता ही नहीं। अगर आप मिड ओशियनिक रिज की बात करेंगे तो नॉर्मल फॉल्टिंग होती है वहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग होती है, बीच बीच में मेंटल प्लूम्स की वजह से गियोट्स बन जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के एवेज में कम डिफॉर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिफॉर्म नहीं है। हाँ, इसकी जो एवरेज एज होती है वो 180 टू 200 मिलियन ईयर्स होती है, इससे पुरानी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो आपको नहीं मिलती है। ज्यादातर पोर्शन आपका बसाल्टिक कंपोजिशन का होता है, पोर्शंस में अगर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं किसी पोर्शन में तो उसमें बड़ा सा सेडिमेंट्री पोर्शन होगा, लेकिन वो हम ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर मानते हैं, ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये इसी डायग्राम को अलग दिखाया गया है थोड़ा सा, एथनोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एक एवरेज दिखाया गया है कि अगर पूरे
अर्थ की बात करेंगे तो पूरे अर्थ के रेस्पेक्ट में, पूरे अर्थ की अगर ओवरऑल अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के रेस्पेक्ट में थिकनेस आप देखिए, क्रस्ट की थिकनेस की कोई वैल्यू नहीं है अर्थ के रेस्पेक्ट में। ज़्यादातर पोर्शन कैसा है, कोर का है आपका, एवरेज जो 67 किलोमीटर के आसपास की अर्थ की रेडियस है, और अर्थ की रेडियस में 3470 किलोमीटर का पोर्शन जो है वो आपका कोर का है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाई लेंथ सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, तो बाई लेंथ सबसे बड़ा पोर्शन कोर का है, बट बाय वॉल्यूम एंड बाय मास मेंटल सबसे बड़ा है। ठीक है, आप ध्यान से मेरे सुनिए, बाय लेंथ अगर सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है तो वो कोर का है। क्या मेंशन किया हुआ है, 3470 किलोमीटर लंबा है करीब कोर आपका, जिसमें से 2250 किलोमीटर लंबा आपका आउटर कोर है और इनर कोर केवल और केवल 1220 किलोमीटर। तो डिजिट्स आपको याद रखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंटल के बारे में आपको बताया था कि 82-83% बाय मास, सॉरी बाय वॉल्यूम, और 68% बाय मास टोटल अर्थ का कवर करता है। कि अर्थ ओनियन की तरह हम बिलीव करते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके हैं उस तरह से छिलके होते हैं, जो लेयर्स होती हैं बेसिकली, और इनकी थिकनेस और ये सारी चीजें हमने क्या की हैं, पढ़ी हैं। देखिए ये जो डी लेयर एक आपको दिया हुआ है, डी लेयर, ये डी लेयर उसी ट्रांजिशन जोन की बात हो रही है। जो ट्रांजिशन जोन मैंने आपको बताया ना कि जब एक हाई टेम्परेचर चीज, जब एक लो टेम्परेचर चीज के आसपास आएगी और एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो बीच का पोर्शन क्या, और लगभग कितना 2900 किलोमीटर का रेट नीचे आ रही है और मैग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे मैग्मा फॉर्मेशन इन द सेंस कि प्लेट मेल्ट करके मैग्मा बना रही है, और जहाँ भी ओशनिक रिज है वहाँ पे मेंटल का मैग्मा कर रहा है। आवाज कट गई थी, समझ में नहीं आया। सर यही जो इसका बताया आपने, तो इसी डायग्राम पूरा डायग्राम था। हाँ सर आपकी आवाज कट गई थी। ये डी लेयर जो है सर, डी लेयर आप बता रहे थे, ये डी लेयर जो है, अभी मैंने ट्रांजिशनल जोन की बात की थी ना, कि जहाँ पे जो हाई टेम्परेचर आउटर कोर है वो लो टेम्परेचर मेंटल के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है और मेंटल आपका सॉलिड है, तो इनके बीच में एक सेमी सॉलिड जोन बन जाता है जिसको ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, उसी को यहाँ पे डी लेयर के नाम से दिखाया गया है। और ये देखिए थिकनेस इसकी मैंने बताया था अप्रॉक्स 200 किलोमीटर, 2700 to 2900 किलोमीटर तक। देखिए वही दिया हुआ 2700 to 2890 या 2900 किलोमीटर एवरेज, 200 किलोमीटर थिक है ये लेयर। और आप देखिए कि कई जगह पर कई तरीके से वो वेरिएशन चले गए, एकदम अब्रप्ट लाइन नहीं होगी कहीं भी आप बताइए। और यहाँ देखिए कि जो सबडक्शन दिखा रहा है, सबडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, प्लेट सबडक्ट हो रही है। तो देखिए 650 किलोमीटर तक इन्होंने दिखाया है, 450 के आसपास तक प्लेट जाती है, वहाँ पर मेल्ट होती है, मेल्ट होकर मैग्मा बनाती है। जहाँ आपका मिड ओशियनिक रिज है वहाँ पे वो मैग्मा कोई सरफेस पे आता है और नई प्लेट बनाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, इसी वजह से अर्थ का शेप बड़ा या छोटा नहीं हो रहा, क्योंकि जितना मैग्मा बाहर आके ओशियनिक क्रस्ट पे नई प्लेट बनाता है, उतना ही कहीं सबडक्शन जोन पे प्लेट नीचे जाके मेल्ट हो जाती है। तो जब एक तरफ से बन रही है और एक तरफ से मेल्ट हो रही है, इसी वजह से शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वरना अगर ऐसा ना होता, ये बैलेंस ना होता, शेप क्या होता, अर्थ का चेंज होता रहता। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमने साइजमिक वेव की बात की थी, साइजमिक वेव के बेस पे देखिए क्रस्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर ये क्या हुआ, चेंज हुई, बढ़ ही रही थी लेकिन एक कांस्टेंट आई,
इसके बाद लो वेलोसिटी जोन में वेलोसिटी कम हो गई जिसको हम लो वेलोसिटी जोन कह रहे हैं, फिर ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई चेस्ट है 5-600 पर, फिर इंक्रीज हुई 700 पर, फिर इंक्रीज हुई। देखिए इसके बाद सारी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती चले जा रही हैं और अप्रॉक्स आउटर कोर में जो आपकी वेलोसिटी वो करीब 13 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास पहुँच जाती है। ठीक है, ये तो केवल और केवल अभी इन्होंने मेंटल का पोर्शन दिखाया है जिसमें वेलोसिटी के वेरिएशन का एक ग्राफ बनाया है जहाँ एक तरफ पी वेव की वेलोसिटी दिखाई जा रही है किलोमीटर पर सेकंड में और दूसरी तरफ आपको डेप्थ दिखाई जा रही है। ठीक है, तो मेंटल अल्ट्रामैफिक रॉक होती है मेंटल में, प्लस अपर लिथोस्फीयर की डेफिनेशन बता ही दी, एस्ट्रोस्फीयर बताया, लो वेलोसिटी जोन बताया, लुब्रिकेशन फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स, भाई सेमी लिक्विड होता है तो ग्रीस की तरह वर्क करता है तो प्लेट टेक्टोनिक्स में इसी के ऊपर प्लेट क्या होती है चलती है, इस वजह से लुब्रिकेशन बताया जा रहा है। अब लोअर मेंटल और अपर मेंटल चेंज हुए हैं, बाउंड्री 400-670 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री है लोअर मेंटल और अपर मेंटल की, प्रेशर और डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा मिनरल्स और रॉक उतनी ज़्यादा डेंसर होती जाएंगे, मटेरियल उतने डेंसर होते जाएंगे। तो नीचे जाने पर जैसे जैसे हम लोअर मेंटल में पहुंच रहे हैं तैसे तैसे डेंसिटी क्या हो रही है रॉक की बढ़ती जा रही है। ये देखिए इस पोर्शन में पी वेव और एस वेव दोनों की वेलोसिटी दिखाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको आपको रखना चाहिए। देखिए क्या दिखा रहे हैं, पहले हम एस वेव की बात कर रहे हैं, एस वेव देखिए क्या है कि इंक्रीज हुई, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, सर राइट साइड में कि क्रस्ट की डेंसिटी एस वेव वेलोसिटी क्या हुई इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी क्या हुई जैसे ही क्रस्ट से मेंटल में पहुंचेगी डिक्रीज करेगी, सॉरी एस्ट्रोस्फीयर में पहुंचेगी डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज किया ये एस वेव इंक्रीज करती चली जा रही है, डिसअपीयर हो गई ना, डिसअपीयर हो गई आउटर कोर में इंक्रीज करती हुई मिल रही है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये गायब नहीं होती है, रुक नहीं जाती, चलती है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। तो आप देखिए वेलोसिटी इसकी कितनी रह गई, 4-5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो लगभग हमारे पोर्शन उसको बहुत देर पे पहुंचेगी और हम क्या कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या हो रहा है डिसअपीयर हो जा रही है, आपको पी वेव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एटमॉस्फेयर पे डिक्रीज करेगी देन फर्दर फिर इंक्रीज करती चली जा रही है और आउटर कोर तक आपको इंक्रीज करती मिलेगी, आउटर कोर में एंटर करते ही डिक्रीज होगी, एब्रप्ट डिक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगी नीचे जाते वक्त और इनर कोर पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, 12 तक दिखाया है, वैसे 13 किलोमीटर पर सेकंड तक इसकी इनर कोर में वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक डायग्राम है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनर कोर और आउटर कोर दोनों का पोर्शन। ठीक है, देन कोर कंपोजिशन जो है कोर का वो दिखाया गया है इसमें, एवरेज एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थ की एवरेज डेंसिटी है ये। ठीक है, ये मेंटल और क्रस्ट, मेंटल पर क्रस्ट गलत लिख गया है इनका, ठीक है इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। किस चीज से बना हुआ है ये, बेसिकली आयरन प्लस निकल, आयरन और निकल के परसेंटेज बहुत ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयरन जो होता है ये मीटर, जैसे जो अगर आप मेटेरियोटिक साइंस पढ़ेंगे, प्लानिटरी साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अंदर जो है किसी भी लगभग सारे जितने ही प्लैनेट्स आपके हैं उसका जो कोर है वो बेसिकली सॉलिड है और वो आयरन का ही ज़्यादातर बना हुआ, आयरन और निकल का ही। ठीक है, आउट अब इन्होंने देखिए मॉल्टन कन्वेक्शन है आउटर कोर में, आउटर कोर में भी कन्वेक्शन करंट जनरेट होती है, आउटर कोर मूव कर रही है पूरी की पूरी,
सर्कुलर पाथ में इनर कोर के चारों तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, अर्थ की अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसीलिए जनरेट होती हैं क्योंकि अर्थ का इनर पार्ट मैग्नेट की तरह अर्थ बिहेव ही करता है। अर्थ का इनर पार्ट एक सॉलिड मैग्नेट है और उसके चारों तरफ आयरन का लिक्विड क्या है मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से अर्थ की जो है आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते हैं। अर्थ लो वेलोसिटी लेयर, डी लेयर जो अभी बताया कि ट्रांजिशनल लेयर है आपका, देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका वहाँ पे, ठीक है, देन ये टेम्परेचर का एक ग्राफ है, डेप्थ के साथ में टेम्परेचर कैसे और कहाँ कितना इंक्रीज किया है। 300 किलोमीटर तक का ये इन्होंने डेप्थ बताया है। एवरेज आपका जो कोर का टेम्परेचर है वो लगभग 5 to 6,000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने, 100 किलोमीटर डेप्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है आपका, इतना पहुंचा है। देन थर्मल बाउंड्री लेयर आ जाती है, यहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज 1280 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। कहाँ पे आपका एवरेज बता रहा हूँ, 1280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है आपका एस्ट्रोस्फीयर में जहाँ मैग्मा जनरेट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं होता, होता है कुछ जगहों पर, आवाज ही नहीं आ रही है। ले लीजिए, ये क्रिस्टल ब्लैक ले लीजिए, तो उसका फॉर्मेशन किसके हो रहा है 17